today we are going to discuss a very important and conceptual topic that is the layers of abdomen Achha, when we say layers of abdomen that basically means if we uh, superficial to deep yane, um, uh, if if say for example the person is standing on the side uh, such that this is the head then the neck and then the back region and this is the front region okay so that's the the belly here pot belly rather so this is the front of the person anterior side and that is the posterior side back of the person okay and that's say for example is the umbilical region so agarham we एंटीरियर साइड से सबसे पहले देखें तो ऑब्वियसली देर इज एंटीरियर एबडामिनल वॉल उसको रिमूव कर दें तो नेक्स्ट लेयर क्या होगी उसको भी रिमूव कर दें तो फिर डीप क्या होगा तो सबसे डीप जो स्ट्रक्चर है दैट विल बी द पोस्टीरियर एबडामिनल वॉल लेकिन मूविंग फ्रॉम एंटीरियर टू द पोस्टीरियर साइड एक एक लेयर को हम रिमूव करते जाएंगे तो एंड में हमें जो लेयर मिलेगी दैट विल बी द पोस्टीरियर एबडामिनल वॉल लेकिन एबडामिन को

Of abdomen, से जो फर्स्ट लेयर है सुपर फेसिया मौजूद है और फिर okay? so, रैक्टिस आपको यहां दिख रही है इस डायग्राम में यू सी देर आर थ्री डिफरेंट कॉम्पोन टू इट कॉम्पोनेट ए

तो कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि जो इंटीरियर एबडामिनल वॉल है अगर आपको मेरा एंटीरियर एबडामिनल वॉल का लेक्चर सुनना है डिटेल में तो ये रहा उसका लिंक यहां मैं ब्रीफ करके उसको एक दफा आपको दोबारा से ये वाली जो पर्टिकुलर डायग्राम है वो समझा देता हूं एग्जैक्टली exactly यही तीन डायग्राम्स वहां दिखाई हैं डायग्राम ए

रेक्टस मसल के एंटीरियरली रेक्टस शीट गुजरती है सो देर इज नो बैकवर्ड कवरिंग ऑफ रेक्टस एबडामिनस मसल सो दिस इज रेक्टस एबडामिनस और सिर्फ एंटीरियरली देर इज अ शीत देर लेकिन अगर मिडल ऑफ द एंटी एबडामिनल वॉल का जिक्र करें यानी बिटवीन द कोस्टल कार्टीज इन दरकुट लाइन तो मिडल का सिनेरियो ये होता है कि रेक्टस एब्डोमिनस बीच में होता है और इसके दोनों तरफ रेक्टस शीट होती हैं। फाइबर्स फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्लिक पासिस फ्रॉम फ्रंट फाइबर्स फ्रॉम इंटरनल ऑब्लिक स्प्लिट एंड टेक्स द पोजीशन इन द एंटीरियर एज वेल एज द पोस्टीरियर डायरेक्शन एंड फाइबर्स फ्रॉम द ट्रांसफर सेबडामिनस पासिस फ्रॉम बिहाइंड सो दैट इस द काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दीज थ्री मसल्स अब बात यह है कि जो कॉस्टल मार्जिन से ऊपर का हिस्सा है उसमें रैक्टस शीत uh, को सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूट करता है एक्सटर्नल ऑब्लिक लेकिन जो मिडिल हिस्सा है उसमें एक्सटर्नल ऑब्लिक भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है इंटरनल ऑब्लिक भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है और ट्रांसफर सेब डामस भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है इस तरह की जो एक्सटर्नल ऑब्लिक है इसका कॉन्ट्रीब्यूशन uh, है

इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसफर एबडोमिनस इन तीनों के जो फेशिया कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एंटीरियर टू रेक्टर एबडामिनस गुजरता है सो so, ये तीन डायग्राम इस तरह से दोबारा यहां देखें तीन डायग्राम जब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए सो वॉट वी आर लुकिंग एट इज एंटीरियर एबडोमिनल वॉल हम पढ़ रहे हैं एबडमिन की लेयर और पहली लेयर ऑब्वियसली है एंटीरियर एबडामिनल वॉल जिसमें स्किन होगी सुपरफिशियल फेशिया होगा और उसके बाद ये एंटीरियर एबडामिनल वॉल में मसल्स और उनके एपिनोरासिस या उनकी फेशियल एक्सटेंशंस सेंटर में मसल है और इस मसल का नाम है रेक्टस एबडामिनस मसल तीन डायग्राम इसलिए हैं बिकॉज दिस इज शोइंग एंटीरियर abdominal wall composition above the coastal margin these are the cartilages okay so above the coastal car, uh, above the coastal margin rectus abdominis k anteriorly um, external oblique aponeurosis pass on hotia and then if you talk about

So, जो फर्स्ट लेयर है उसकी ये तीन अरेंजमेंट्स आपको पता होनी चाहिए इंपॉर्टेंट ओके okay? अब अगर मैं किसी बंदे में से यानी ये डायग्राम दोबारा देखें अगर मैं एंटीरियर वॉल निकाल दूं तो फिर जो सेकंड लेयर हमको नजर आती है एबडोमिन की वो लेयर है ये एंड वॉट वी सी देयर इज Um, obviously the rib cage, the costal margins and greater omentums liver also is visible so liver stomach and greater omentum this is visible as layer number two if we uh, now remove layer number two omentum remove stomach remove liver remove then we see layer number three which is all द स्मॉल इंटेस्टाइन मोस्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सीखम एंड सो दिस इज लेयर नंबर थ्री एंड इफ यू रिमूव दिस एज वेल इसको भी निकाल दें देन वॉट वी सी इज एट द बैक पेंक्रियाज एंड डिडेनम तो देखें ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इससे इस लेयरिंग से, इस से आपको एटलीस्ट ये पता चल रहा है कि जो कंपोजिशन है उसमें यह नहीं है कि जो डिओडनम है वो सबसे ऊपर पड़ी हुई है आपको ये अंदाजा हो रहा है कि डिओडनम इज लेयर नंबर फोर एक्चुअली पेंक्रियाज एंड डिडनम आर वे बैक टोटल कितनी लेयर्स है मैंने आपको बताया सिक्स लेयर्स इसमें से चौथी लेयर में आपको नजर आएगा डिओडेनम और पेंक्रियाज अब अगर मैं डिओडेनम और पेंक्रियाज से भी डीप चला जाऊं इसको भी निकाल दूं देन यू सी किडनीज एंड द बिग वेसल्स और अगर इन बिग वेसल्स के भी डीप देखूं क्या है तो फिर मौजूद हैं पोस्टीरियर एबडोमिनल वॉल के मसल्स ओके okay? तो ये छह लेयर्स हैं बॉस जो आपको याद होनी चाहिए मैं फिर एक दफा तेजी से रिपीट कर देता हूं कि द सिक्स लेयर्स ऑफ एबडमेन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर ताकि आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एबडामिनल कॉन्टेंट्स पता हो पहली लेयर का नाम है एंटीरियर एबडामिनल वॉल एंटीरियर एबडामिनल वॉल किसी बंदे को बॉडी को यहाँ से एंटीरियर एबडामिनल वॉल को खोल दें और इन फ्लैप्स को यहाँ से हटा दें एंटीरियर एबडामिनल वॉल के तो अंदर आपको लेयर टू नज़र आएगी विच इज़ लिवर स्टमक एंड ग्रेट रोमैटम इनको निकाल दें तो लेयर थ्री नज़र आएगी विच इज स्मॉल इंटस्टाइन लार्ज इंटस्टाइन इनको भी हटा दें तो लेयर फोर दिखेगी जिसमें डिर्डनम है और पैंक्रियास है इन को भी अगर हटा दें देन यू सी द किडनीज एंड बिग वैसल्साइन और इनके भी पीछे लास्ट uh, लेयर है विच इज मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर एब्जोमल वॉल ओके आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर एंड देन वी विल सी इच अदर इन द नेक्स्ट पीडियो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ